स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिक्स रैम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग बहुत छोटे थे, जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, जब आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, तो स्कूल में सबसे पहले पढ़ाई में आपको क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाई जाती है या फिर काउंटिंग 1, 2, 3 सिखाई जाती है। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का ABCD है, 1, 2, 3 है, आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं। वेव फंक्शन एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वेव फंक्शन को अच्छे से क्लियर करना ही होगा, इसको अच्छे से समझना ही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल हम क्लासिकल मैकेनिक्स से कंसीडर करेंगे और एक एग्जांपल हम डेली लाइफ का कंसीडर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स में मान लो आपके पास एक सिस्टम होता है और आपको उस सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप उस सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसका मास m गिवन है और उसकी पोजीशन x गिवन है, तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एट एनी टाइम t। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लें dx/dt, तो ये आपको वेलोसिटी बता देगा उस कार की। अगर आप x का डबल टाइम डेरिवेटिव ले लें d2x/dt2, तो आपको कार का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन मिल गया, मास गिवन है, तो F=ma लगाकर आप उस कार पर लगने वाली फोर्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मास पता है, वेलोसिटी आपने निकाल ली, तो आप P=mv करके लीनियर मोमेंटम P भी निकाल सकते हैं। मींस उस सिस्टम के फ्यूचर बिहेवियर के बारे में बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। आइए स्टूडेंट्स, एक क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल कंसीडर करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता लग सके कि वेव फंक्शन का मतलब क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नहीं है, ये वेव फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स की, स्प्रिंग मास सिस्टम। ये है हमारा स्प्रिंग जिसके साथ हमने एक मास एम अटैच कर दिया और स्प्रिंग का एक एंड जो है उसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। अगर ये स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है तो इस पे हम हुक्स लॉ लगा सकते हैं, जो कि हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F=-kx। इसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो हमें क्या कहता है, F=ma मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, तो हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट ma=kx। और a क्या होता है, एक्सेलरेशन, इट इज अ डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पर a की जगह d2x/dt2 लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, md2x/dt2+kx=0 मिलेगा। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ऐसी इक्वेशन को बहुत बार आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और इस प्रकार की इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकल के आता है वो हमें क्या देता है, वो हमें इस फंक्शन x की वैल्यू देता है। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, जो कि टाइम का फंक्शन होगी, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है, a cos ωt - π। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई इस सिस्टम के लिए। तो आप मुझसे इस सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कहेंगे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो उसका टाइम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आप इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करोगे, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको स्प्रिंग का मास पता है कितना अटैच किया हुआ है आपने, तो 1/2 mv² करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं।
पी इक्वल टू एम वी करके आप लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। मीन्स इस सिर्फ एक्स की एक वैल्यू से क्लासिकल मैकेनिक्स के एक सिस्टम के बारे में हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या फिर फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3, ये जो एक्स की वैल्यू है इस प्रॉब्लम के लिए, इस सिस्टम के लिए एक प्रकार का पासवर्ड है। इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन को अनलॉक करने की चाबी ये है। इस अकेली एक्स की वैल्यू से आप इस सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप सबके पास एंड्रॉयड फोन होता है, उसमें आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स रखे होते हैं, एप्स रखी होती हैं। आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं ये आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से पता लगाया जा सकता है। तो मुझे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके फोन के थ्रू, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आपके फोन का पासवर्ड चाहिए होगा या फिर पैटर्न चाहिए होगा, तभी मुझे आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको ये वाला पासवर्ड चाहिए होगा, ये एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू होगी तो आप इस सिस्टम से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस अकेली इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जाम्पल। आइए बात करते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, अब एक डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास, मेरे पास, सबके पास एक चीज तो होती है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के ऊपर एक यूनिक नंबर लिखा होता है जो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहती है तो वो अकेले आधार नंबर से पता लगा सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका सिटी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके पास कितने गैस सिलेंडर्स हैं, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है सिर्फ एक आधार नंबर से। अगर गवर्नमेंट के पास आपका आधार नंबर है तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, आपसे जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट तक बड़े आराम से पहुंच सकती है। तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके लिए जो पासवर्ड होगा, जो उनके लिए चाबी होगी, वो आपका आधार नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं कि इस सिस्टम से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो आधार नंबर का काम करेगा वो हमारा एक्स की वैल्यू करेगी। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इस सिस्टम के लिए, क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आधार नंबर का काम करेगी। बट स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर कोई प्रोटॉन, या कोई आपके पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके या इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करके आप उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से को नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आपको जो पासवर्ड चाहिए होगा, उसके लिए जो आपको आधार नंबर चाहिए होगा, वो होगा वेव फंक्शन। तो आप ये कह सकते हैं वेव फंक्शन जो है वो पासवर्ड है, आधार नंबर है, किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, वेव फंक्शन देगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स या फिर राइट शॉर्ट नॉट ऑन वेव फंक्शन साई, तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। वेव फंक्शन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का सबसे जरूरी एलिमेंट जो होगा वो वेव फंक्शन होगा। जैसे आजकल हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो आधार नंबर बन चुका है, जहां भी जाओ आधार कार्ड देना पड़ता है। तो अगर हम अपने आप को सिस्टम कंसिडर करें तो आधार नंबर हमारा जो है वो वेव फंक्शन में काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो आधार नंबर का काम करेगा वो करेगा वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से ही हम किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे। एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेव फंक्शन। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी वो हम अकेले वेव फंक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं।
It is denoted by psi r vector comma t for a three dimensional motion of a system. अगर कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसका थ्री डायमेंशनल मोशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं दे हैव थ्री डायमेंशनल मोशन, तो उस केस में जो वेव फंक्शन होगा उसको हम साई आर वेक्टर कॉमा टी से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वेव फंक्शन जो है वो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स का एंड टाइम का दोनों का फंक्शन होता है, मीन्स ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ टाइम कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करता है थ्री डायमेंशनल मोशन के केस में। एंड बाय साई एक्स टी फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आपके पास कोई सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मोशन कर रहा है तो उस केस में जो वेव फंक्शन को डिनोट किया जाएगा वो साई एक्स टी से डिनोट किया जाएगा, और आपकी बुक्स में ज्यादातर इसी सिंबल को यूज किया गया है। वी गेट साई बाय सॉल्विंग अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। जैसे हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी क्लासिकल मैकेनिक्स वाली प्रॉब्लम में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसी तरह से साई को भी आप एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो आपको साई की वैल्यू देगा, और वो इक्वेशन कौन सी है, श्रोडिंगर इक्वेशन। पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है उस श्रोडिंगर इक्वेशन पर बेस्ड है, जिस प्रकार से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल है, एफ इक्वल टू एम ए इक्वेशन जो है उस पर पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बेस्ड है, उसी तरह से अकेली श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स आप लाइन क्या लिखेंगे, वी गेट साई बाय सॉल्विंग अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की डेरिवेशन तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है आटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साई बाय करली x स्क्वायर प्लस v साई। तो हमने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन यहां कंसीडर किया क्योंकि यहां पर हमने x लिया है, v यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, और यहां पर m जो है वो मास है सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स इसके आगे आप और क्या ऐड करके आएंगे इसकी थ्योरी में वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या लिख के आएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स प्लेस द सेम रोल एज इज प्लेड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन जो भी हमने पिछले सेक्शन में लिखी थी वो वही रोल प्ले करती है जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करता है, जिसको हम एफ इक्वल टू एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटन सेकंड लॉ का एनालॉगस है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे आप क्या लिख के आएंगे इसके लिए आपको थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी पार्टिकल जो है वो लोकलाइज नहीं होता, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते वेयर द पार्टिकल इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम एक साथ किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की पोजिशन एंड मोमेंटम जो है एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आप पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आप उसके मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच कट के। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता सकते, पार्टिकल लोकलाइज नहीं होता। जैसे कि आप क्लासिकल पार्टिकल की एक बात करते हैं, क्लासिकल पार्टिकल जो है वो बिल्कुल अलग होता है क्वांटम पार्टिकल से। ये ब्लैक बोर्ड जो है ये क्लासिकल पार्टिकल है, इसके एक डेफिनेट लेंथ है, इसके एक डेफिनेट बाउंड्री है, इसकी डेफिनेट ब्रेथ है, इसका डेफिनेट एरिया है, एक डेफिनेट बाउंड्री है। जबकि एक क्वांटम पार्टिकल जो होता है उसे हम ग्रुप ऑफ वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा है, लाइट वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें एक वेव का, जैसे कि आपने एक स्टोन लिया उसको पानी में फेंक दिया तो वहां पर जो वेव बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। आप वहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, जो पानी की हाइट है वो पीरियोडिकली
वैरी कर रही है, पीरियोडिकली रिपीट हो रही है विद स्पेस एंड टाइम। इसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूँ और अगर मेरी आवाज़ कैमरा तक पहुँच रही है तो यहाँ पर क्या वैरी कर रहा है, कौन सा फंक्शन वैरी कर रहा है, एयर का प्रेशर एंड डेंसिटी जो है वो वैरी कर रही है पीरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। आपने साउंड वेव्स पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, रेयरफैक्शंस कंप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, एयर की डेंसिटी और प्रेशर कैसे चेंज होता है साउंड वेव्स में, वो सब आपने पढ़ा है। तो साउंड वेव्स के केस में भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जरूर है जो पीरियोडिकली वैरी कर रही है विद स्पेस एंड टाइम। अगर हम लाइट वेव्स की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, और जो उनमें क्या वैरी करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वैरी करती है उनमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पीरियोडिकली वैरी करते हैं स्पेस एंड टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, या आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा ग्रुप ऑफ वेव्स है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, क्वांटम पार्टिकल के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ पर क्या वैरी करेगा विद स्पेस एंड टाइम, वहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो पीरियोडिकली वैरी होगी, वो है वेव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यही लाइंस अब आप थ्योरी में लिखेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वेव्स कॉल्ड वेव पैकेट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें यूज करना पड़ता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो हमें क्या कहता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होता है जिसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद अ क्वांटिटी व्हिच वेरीज पीरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। हर एक वेव के साथ, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव्स हो, चाहे वो वाटर वेव्स हो, उन सबके साथ एक ऐसी क्वांटिटी जरूर होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताए पीछे, कि वो जो पीरियोडिकली वैरी करती है स्पेस और टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल इन लाइट वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैरीज पीरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। लाइट वेव्स के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैरी करता है पीरियोडिकली स्पेस एंड टाइम के साथ। सिमिलरली इन अ वेव पैकेट इट इज अ वेव फंक्शन साई विच वैरीज पीरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। तो वेव पैकेट जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगा उसमें वेव फंक्शन साई होगा जो वैरी करेगा, पीरियोडिकली वैरी करेगा स्पेस और टाइम के साथ। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक का और जो पार्ट बचा है वो डिस्कस करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स साई जी के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडेंट्स आप ये मत सोचने लग जाना कि मैंने साई के साथ जी क्यों लगाया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको पढ़नी है तो इस साई को तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये साई जो है आपको हर जगह दिखाई देगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो आप इसको साई महाराज या साई जी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए साई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। साई बीइंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट, साई जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और साई का अकेले का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब सिग्निफिकेंस कैसे बनता है उसका वो हम देखेंगे अभी। और आप एक बात और जान लीजिए, साई जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंटर है, आप बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितना है, मास कितना है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। साई को आप मेजर नहीं कर सकते किसी भी चीज से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। और साई की कोई फीलिंग नहीं है, जैसे कि आप कोई मिठाई खाते हैं तो आप बता सकते हैं ये मिठाई का टेस्ट कैसा है, ये मीठी है कि कम मीठी है कि ज़्यादा मीठी है, उस तरह से आप साई के बारे में नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कब बनता है। व्हेन साइज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइज स्टार वी गेट अ रियल क्वांटिटी विच हैज अ डेफिनेट फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई मीनिंगफुल कब बनता है, जब साई को अगर आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप समझिए यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे बनता है, रियल पार्ट होता है उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो साई इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही बनते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर ऐड करके ही बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो हमें आइटा का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ प्लस आइटा है तो माइनस आइटा आ जाएगा,
और साई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा साई स्टार, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस आइटा बी। तो अगर आप साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साई इंटू साई स्टार को हम ऐसे भी लिखते हैं, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा जो कि एक रियल क्वांटिटी होगा। और इस चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है जिसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई करके, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साई से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की स्प्रिंग मास सिस्टम वाली प्रॉब्लम ली थी, वहां पर हमें x की वैल्यू मिली थी, उस x की वैल्यू से आप बता सकते हैं कि पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस स्प्रिंग मास सिस्टम की उस x की वैल्यू से पता की जा सकती थी। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर आपको साई पता है तो आप पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उसके अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो आप ये नहीं बता सकते कि उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। आप कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिकल है, पर एग्जैक्ट पोजिशन आप नहीं बता सकते। और इसी प्रकार से आप अगर आपसे पूछा जाए कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी तो आप उस पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी भी नहीं बता सकते उस क्वांटम पार्टिकल की। आप कह सकते हैं सर 20 से 25 मीटर पर सेकंड के बीच में है, बट आप इतना ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आप सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, यू कांट डील विद सर्टेनिटीज, यू हैव टू डील विद प्रोबेबिलिटीज इन क्वांटम मैकेनिक्स। और आप क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसके प्रेजेंट का नहीं पता होता। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।